नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां पीएम मोदी आ सकते हैं छत्तीसगढ़। जी हां, 7 जुलाई को रायपुर आ सकते हैं पीएम मोदी। कई वर्गों के प्रतिनिधियों से संवाद कर सकते हैं पीएम। प्रधानमंत्री आईआईटी भिलाई का शुभारंभ कर सकते हैं। आला नेताओं ने शुरू की है आगमन की तैयारियां। केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों पर पीएम मोदी चर्चा करेंगे। पीएम मोदी के संभावित दौरे की तैयारी शुरू हुई है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता युगल, जुड़े हुए हैं फोन पर। युगल, एक बहुत बड़ा दिन होगा जब पीएम मोदी रायपुर पहुंचेंगे। देखिए सुमित, पहले अगस्त के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है वो प्रस्तावित था, लेकिन अभी जो सूत्र बता रहे हैं कि संभवतः 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर आ सकते हैं, और इस दौरान जब वो आएंगे तो आईआईटी भिलाई का शुभारंभ भी कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के भाजपा के आला नेताओं ने संभावित दौरा, जो प्रस्तावित दौरा है, उसकी आगमन, उनके आगमन की तैयारियां अभी से अब शुरू कर दी है। और बड़ी बात यही है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर रायपुर आते हैं छत्तीसगढ़, तो अलग अलग वर्गों के जो लोग हैं, प्रतिनिधि मंडल हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे, संवाद भी कर सकते हैं। और चूंकि केंद्र सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं और इन उपलब्धियों को चर्चा अभी संभावित है, वैसे भी बीजेपी पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे देश में 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जो संवाद है वो कर रही है, तो एक बड़ा अचीवमेंट, ये बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। और बीजेपी के आला नेता हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित दौरे को लेकर के तैयारियां हैं वो शुरू कर दी है। जी युगल, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। पीएम मोदी के भोपाल दौरे के बाद एमपी में चुनावी शंखनाद हो चुका है। वैसे तो बीजेपी पार्टी पूरे प्रदेश में तैयारियों में जुटी हुई है, लेकिन इस बार पार्टी की ऐसी सीटों पर खास नजर है जहां 2018 के चुनाव में उसे हार मिली थी। बात करेंगे खरगोन जिले की। 2018 में जिले की 6 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में 30 जून यानी कि कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी इस बार चुनाव में कोई जोखिम मोल नहीं लेना चाहती। पीएम मोदी के 9 साल का कार्यकाल पूरा होने पर विशेष जनसंपर्क अभियान के साथ ही विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी ऐसे विधानसभा क्षेत्रों में कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती जहां 2018 में उसे हार का सामना करना पड़ा था। 30 जून को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा अहम माना जा रहा है। महिला और रोजगार सम्मेलन की यहां बड़ी तैयारी है। सांसद का कहना है कि जनता के सामने सच आने के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने परचम लहराया था। जेपी नड्डा की सभा में 1 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। 9 साल पूरे होने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी ने मध्य प्रदेश में ये खरगोन बड़वानी लोकसभा को चुना है, और ये हर क्रम चलता रहता है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व भी जिला स्तर पर बातचीत करने के लिए सभा के माध्यम से, संवाद के माध्यम से, और जो केंद्र सरकार की जितनी योजना है उसके बारे में बताने के लिए हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व आता है, और इसलिए खरगोन जिला भारतीय जनता पार्टी का जिला है। हम तो सिर्फ सेवा करने के लिए सरकार बनाते हैं। हमारा उद्देश्य कभी भी नहीं रहता कि हम सत्ता पे काबिज हों और सत्ता पे काबिज बने रहें, पर हम तो सेवा के लिए ही सरकार में आते हैं। और इसका उदाहरण देखिए कि जन्म से लेकर मृत्यु तक की योजनाएं देश की आज़ादी के बाद अगर किसी पार्टी ने बनाई तो भारतीय जनता पार्टी ने ही बनाई है। विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस ने लोगों को 5 गारंटी दी है और माना जा रहा है कि कांग्रेस का ये मास्टर स्ट्रोक है। पिछले आंकड़े देखे जाए तो प्रदेश की सत्ता निमाड़ और मालवा के रास्ते से निकलती है। पिछले चुनाव में देखें तो साल 2012 में महेश्वर उपचुनाव के बाद जिले की 6 सीटों पर बीजेपी काबिज थी। इसके बाद 2013 में 3 सीटों पर सिमट कर रह गई। 2018 में हुए चुनाव में सभी 6 सीटों पर बीजेपी हार गई। लगातार पार्टी की हार को लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व का फोकस खरगोन जिले पर नजर आ रहा है। खरगोन से कांग्रेस विधायक रवि जोशी का दावा है कि बीजेपी खरगोन ही नहीं पूरे प्रदेश को लेकर चिंतित है। भाजपा चिंतित है, खरगोन के साथ साथ पूरे प्रदेश को लेकर चिंतित है। इसीलिए जेपी नड्डा जी मध्य प्रदेश के दौरे पे हैं। कल भोपाल में थे, परसों खरगोन में रहेंगे, ऐसे अन्य जिलों में जा रहे हैं। उनकी चिंता जनता ने बढ़ा दी। शिवराज सिंह जी
और शिवराज सिंह जी के साथ साथ भाजपा के कार्यकर्ताओं को रोज देख के 18-19 साल से एक सतत जनता देख रही है, परिवर्तन चाहती है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश की जनता ने अपना मन बना लिया है। एमपी में विधानसभा चुनाव में लगातार हारने वाली सीटों पर राष्ट्रीय नेतृत्व की नजर है। यही वजह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 30 जून का दौरा अहम माना जा रहा है। व्यापक स्तर पर तैयारियां भी चल रही हैं। नतीजों के लिए भले ही अभी समय हो, लेकिन फिलहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे से बीजेपी कार्यकर्ताओं और टिकट के दावेदारों में उत्साह देखा जा रहा है। न्यूज 18 के लिए खरगोन से आशुतोष पुरोहित की रिपोर्ट। तो इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम रुख करेंगे भोपाल का। हमारे सहयोगी शैलेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। शैलेंद्र, जैसे ऐसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे बीजेपी के दिग्गज नेता और भी ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं और बीजेपी का फोकस अब उन सीटों पर है जहां पर उसे हार मिली थी। जी सुमित, देखिए मध्य प्रदेश में चुनावी शंखनाद हो चुका है और पीएम नरेंद्र मोदी दो दिन पहले खुद भोपाल में थे और उस दिन उनका शेड्यूल आना निरस्त हो गया था। अब एक तो वो 1 जुलाई को शेड्यूल आएंगे, लेकिन उसके पहले कल जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भाजपा के, वो कल मध्य प्रदेश में होंगे और वो मध्य प्रदेश के उस खरगोन जिले में होंगे जो कि निमाड़ में आता है। और निमाड़ वो गढ़ है कि जो कभी भाजपा के लिए हमेशा फायदेमंद रहा है। भाजपा जब भी सरकार में आती थी तो निमाड़ से एक बड़ी लीड करती रही है, लेकिन वर्ष 2018 के चुनाव में यहाँ पर भाजपा को कम से कम 10 सीटों का बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था और उसी का नतीजा हुआ था कि भाजपा जब सत्ता से बाहर हुई थी तो उसमें निमाड़ एक बड़ा फैक्टर था। तो नड्डा का दौरा निमाड़ में होने के कारण इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर भाजपा इस बार कोई गलती नहीं करना चाहती है और इसी तैयारी के साथ भाजपा के सभी तमाम नेता कल वहां पर खरगोन में रहेंगे। वहां के लिए रोड शो रखा गया है, इसके अलावा वो वहां मंदिर जाएंगे और वहां पर एक बड़ी जनसभा भी होगी। तो भाजपा की बड़ी व्यापक तैयारियां हैं और आने वाले 2 दिन देश के 2 बड़े नेता भाजपा के वो दोनों मध्य प्रदेश में होंगे। तो मध्य प्रदेश के लिए आने वाले 2 दिन भाजपा की चुनावी रणनीति के हिसाब से बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। नड्डा इस दौरान कुछ ऐसे लोगों से भी मिलेंगे और निमाड़ में ये भी चर्चा है कि वे वहाँ पर किसी आदिवासी के साथ वहाँ पर भोज करेंगे और यही रणनीति 1 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी भी जब शहडोल में होंगे तब वो भी किसी आदिवासी के घर भोजन करेंगे। तो निमाड़ हो या शहडोल हो, ये सब आदिवासी बाहुल इलाके माने जाते हैं। तो भाजपा का पूरा फोकस है इस आदिवासी वोट बैंक पर है और इस आदिवासी गढ़ को जीतना है क्योंकि ये माना जाता है कि अगर आदिवासी वोट बैंक को आपने जीत लिया है तो समझे कि सत्ता में आपका आना तय है। ठीक है शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, बहुत धन्यवाद। तो चुनाव का वक्त है, लिहाजा पार्टियां बखूबी समझ रही हैं कि किस मुद्दे को उठाना है, कितनी हवा देनी है और कब और कैसे उस पर प्रतिक्रिया भी देनी है। तभी तो एमपी में इन दिनों स्कूली पाठ्यक्रम को लेकर सियासत गर्म हो गई है। हालांकि स्कूली बच्चे वोटर तो नहीं होते, लेकिन इसके बावजूद हाल ही के साथ साथ दूरगामी परिणाम के मद्देनजर दल अपनी चाल चलते हैं। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार अब स्कूली बच्चों को वीर सावरकर का पाठ पढ़ाने की तैयारी कर रही है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार कहते हैं कि भारत की ज्ञान परंपरा के आधार पर गीता, वेदों, रामायण का संदेश और समाज को ऊर्जा देने वाले ज्ञान को हम फिर से बच्चों तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसके तहत महापुरुषों भगवान परशुराम, बुद्ध, महावीर, गुरु गोविंद सिंह, वीर सावरकर के साथ ही अब्दुल कलाम और वैज्ञानिकों तक का जीवन पढ़ाया जाएगा। हमारे पूर्वजों के पास ज्ञान था, उस ज्ञान को हम क्योंकि उसके आधार पर भारत विश्व गुरु कहलाता था, इसलिए उस ज्ञान को फिर से हम बच्चों तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसी प्रकार से महापुरुषों के बारे में भी कहेंगे। हमने तय किया भगवान परशुराम का जीवन भी पढ़ाने वाले हैं, बुद्ध का जीवन भी पढ़ाने वाले हैं, महावीर का जीवन भी पढ़ाने वाले हैं, गुरु गोविंद सिंह का जीवन भी पढ़ाने वाले हैं, महाराणा प्रताप का जीवन भी पढ़ाने वाले हैं, वीर सावरकर का भी जीवन भी पढ़ाने हैं, बाद में स्वतंत्रता के बाद में जिन लोगों का योगदान रहा, डॉक्टर अम्बेडकर का जीवन भी पढ़ाने वाले हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन भी पढ़ाने वाले हैं और हम एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन भी पढ़ाने वाले हैं।
लेकिन इधर विपक्षी दल कांग्रेस जैसे ही पाठ्यक्रम में वीर सावरकर का नाम शामिल किए जाने की बात सुनती है बौखला जाती है। कांग्रेस कह रही है कि अगर इतिहास पढ़ाना है तो पूरा पढ़ाएं। कांग्रेस मीडिया विभाग उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता कहते हैं पाठ्यक्रम में ये भी लिखा जाए कि सावरकर ने किस कारण से अंग्रेजों से माफी मांगी थी। सरकार इसमें फैसला ले और सरकार पढ़ाए, पूरा इतिहास पढ़ाए, ताकि जो है हिंदुस्तान के जो बच्चे हैं, मध्य प्रदेश के बच्चे हैं, वो इतिहास को लेके गुमराह ना रहे। उसमें ये भी लिखा रहे कि किस कारण से उन्होंने माफ़ी मांगी थी। उसमें ये भी लिखा रहे कि जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने देश की आज़ादी के आंदोलन में भाग नहीं लिया। उसमें ये भी लिखा रहे कि उन्होंने जो है अंग्रेजों की सेना में भर्ती करने के लिए कैंप लगाए। कोई दिक्कत नहीं है, जनता अगर छात्र लोग इतिहास का सच जानते हैं तो उन्हें पूरा सच दिखाया जाना चाहिए कि आधा सच और जो है एक चौथाई सच दिखाकर उनको भ्रामक जानकारी देने का क्या उचित है। आज़ादी का आंदोलन 40-50 साल चला है, 100 साल चला है, उस 100 साल के आंदोलन में उनकी क्या भूमिका है ये बताएं। वैसे पाठ्यक्रम को लेकर सियासत नई बात नहीं है, पहले भी इसे लेकर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने आते रहे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने पाठ्यक्रम में वीर सावरकर की जीवनी को शामिल करने की बात जैसे ही कही वैसे ही कांग्रेस ने हमला तेज कर दिया। जाहिर है चुनावी साल में ये भी एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। वासु चौरे, न्यूज 18, भोपाल। वहीं मध्य प्रदेश की सियासत में पोस्टर पर विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने डर्टी पॉलिटिक्स की, खिसियाहट छिपाने के लिए ये कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग पोस्टर लगाते हुए कैमरों में दिखाई दिए, नरोत्तम मिश्रा ने सीसीटीवी फुटेज भी दिखाए। वहीं कांग्रेस की गारंटी को लेकर कहा कि जितने लोग गारंटी दे रहे हैं उनमें से अधिकांश वारंटी हैं, जमानत पर हैं या लेने वाले हैं। कांग्रेस की गारंटी चीन के माल की तरह गारंटी है, दूसरी तरफ पीएम मोदी की गारंटी है। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के समृद्धि कार्ड को लेकर निशाना भी साधा, कहा पहले भी 2 लाख का कर्जा, बेरोजगारी भत्ता, पेट्रोल के दाम कम करने की बात, एक बात भी उनकी पूरी नहीं हुई, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। डर्टी पॉलिटिक्स इसी को कहते हैं। ये एक राजनीति का विद्रूप चेहरा है और खिसियाड़ छुपाने के लिए कांग्रेस ये जो कर रही है ना, कमलनाथ जी, वैसे तो आपने खुद नहीं स्वीकार कर लिया है और आपके जो लोग हैं वो फोन पे, सीसीटीवी पे, फेसबुक पे लगाते हुए दिख रहे हैं कि किस तरह से ये लोग पोस्टर लगा के डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कांग्रेस के जितने लोग गारंटी दे रहे हैं उनमें से अधिकांश लोग वारंटी हैं, या तो जमानत पे हैं, या जमानत ली हुई है, या जमानत लेने वाले हैं। ये 2 तरह की गारंटी है इनकी, कांग्रेस की गारंटी, चीन की गारंटी है, जैसे चीन के माल की गारंटी होती है ना, और दूसरी गारंटी है भारत के स्वाभिमान की गारंटी, मोदी जी की गारंटी, वैश्विक नेता की गारंटी, ये देश जानता है अच्छी तरह। मैंने अभी उनकी गारंटी के बारे में बताया ना, वो पहले भी गारंटी दे चुके हैं 2 लाख का कर्जा 10 दिन में माफ करने का, नौजवान को बेरोजगारी का, पेट्रोल के दाम कम करने का, ये कांग्रेस नहीं दी थी सब बातें, एक बात भी उनकी पूरी हुई है कि आप देखो काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती मित्र। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बीजेपी संगठन में बड़ा बदलाव हो सकता है। सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक दिल्ली में पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह और बीएल संतोष की बैठक में बड़े बदलाव पर चर्चा हुई है। बताया जाता है कि प्रदेश अध्यक्ष से लेकर संगठन पदाधिकारी बदलने पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब चुनाव आते हैं तो नजर आते हैं और चुनाव के बाद गायब हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता को तुष्टिकरण और संतुष्टिकरण के बीच फैसला करना है। साथ ही समान नागरिक संहिता को लेकर भी कहा कि पूरे देश में एक समान कानून होना चाहिए, क्योंकि देश का हर एक नागरिक एक समान। देखिए, इसलिए मैंने आप लोगों को बार बार कहा है ना, 5 साल में एक बार, 3-4 महीने के लिए सभी लोग आते हैं
और उसके बाद 5 साल के लिए गायब हो जाते हैं। एक वोट कांग्रेस के लिए परिवार का वोट होगा, भ्रष्टाचार का वोट होगा, और एक वोट बीजेपी के लिए, आपके परिवार के जन जन के विकास के लिए संकल्पित वोट होगा, एक एक व्यक्ति के विकास के लिए संकल्पित होगा। मध्य प्रदेश की जनता को निर्णय करना है तुष्टिकरण के बीच में और संतुष्टिकरण के बीच में। बीजेपी सरकार के विकास पर मनाने पर लगातार बहस शुरू हुई है। कांग्रेस